अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ITI अपडेट्स बाय प्रवीण में। जैसा कि आपको पता है, ITI एनुअल जो रिज़ल्ट आया था उसके अंदर काफ़ी बच्चों को जो रिज़ल्ट में दिक्कत हुई, जिनके जीरो मार्क्स आए और कुछ फेल भी हो गए, तो सरकार की तरफ से ये निर्देश आए हैं जो कि DGT की तरफ से आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में आई है, ये आज की खबर है लेटेस्ट। तो देखिए कि ITI की परीक्षा में लापरवाही करना अधिकारियों को पड़ा महंगा, क्योंकि सबसे पहले तो बात हो रही थी कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और जिनकी ड्यूटी लगी थी उन्होंने किसी विद्यार्थी को ये भी नहीं बताया कि आपको कैसे OMR सीट भरनी है। तो जो DGT की तरफ से जो निर्देश आया उन्होंने कहा है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि कैसे विद्यार्थी जो है परीक्षा के अंदर फेल हो गए। हज़ारों विद्यार्थियों की ये तो ज़िंदगी का सवाल था और भविष्य भी इनका जो है, ये देखिए इन्होंने लिखा है, विद्यार्थियों के भविष्य का जिम्मेदार कौन। तो जो जुलाई व अगस्त 2019 में जो परीक्षा हुई थी उस दौरान ड्यूटी के अंदर जो लापरवाही जिन्होंने बरती उनके लिए अब जो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्हें, क्योंकि विद्यार्थियों के द्वारा, ये देखिए विद्यार्थियों का पेपर तो सही हुआ था लेकिन OMR में जो रोल नंबर और जो कोड व अन्य सूचना भरे जाने के कारण कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर उन्हें स्कैन करता है, अगर जानकारी हमने स्टार्टिंग में ही अगर गलत डाल दी रोल नंबर वगैरह सेमेस्टर वगैरह, तो कंप्यूटर ओनली आपका रोल नंबर स्कैन करेगा। अगर रोल नंबर ही आपने गलत डाल दिया तो आपने चाहे पेपर कंप्लीट कर रखा हो आपको जीरो मार्क्स ही मिलेंगे। तो सरकार ने ऐसे, अब निदेशालय ने परीक्षा के दौरान जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी उनको कारण पूछा है कि कैसे आपके लापरवाही बरतने से ही जो इन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम में जीरो मार्क्स आए हैं। तो संबंधित कर्मचारियों से जवाब मांगा गया है जो कि, और विद्यार्थियों के भविष्य का जिम्मेदार कौन, क्योंकि OMR में सही विवरण ना भरे जाने के कारण ही विद्यार्थियों को जीरो मार्क्स मिले हैं। और अब ऐसा है कि जिस प्रकार से न्यूज़ आई है तो लगता है आपके कुछ सुधार होंगे, क्योंकि इन्होंने अभी कारण मांगा है, नोटिस मांगा है, तो जल्दी इसका कोई नोटिस जारी होगा और आपकी जो नियर बाई ITI है आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट करें कि सर हम क्या करें, और उनसे बताइए कि जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने ही हमारा ये नहीं सही करवाया, क्योंकि पहले बात हो रही थी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा लेकिन बाद में OMR बेस करवाया गया और काफ़ी बच्चों को पता नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने OMR पे एग्ज़ाम दिया लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे लेकिन फिर भी जीरो मार्क्स की वजह से उन्हें इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी। तो ऐसी ही रिज़ल्ट संबंधी सूचना वह जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल ITI अपडेट्स बाय प्रवीण को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हर आपको ऐसी खबर जल्द से जल्द मिलती रहे। धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।